हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग? वो सभी जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है या फिर जनवरी 2020 सेशन में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इग्नू ने आपका स्टडी मटेरियल को डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत रेयर केस में होता है कि इग्नू इतना जल्दी किसी सेशन के लिए बुक्स डिस्पैच करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी न्यू एडमिशन जनवरी 2020 सेशन का अभी लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है, यानी कि अभी एडमिशन चल ही रहा है। प्लस अभी री रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, यानी कि री रजिस्ट्रेशन भी चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच उसी सेशन के लिए, यानी कि जनवरी 2020 सेशन के लिए स्टडी मटेरियल को डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत से स्टूडेंट्स को बुक्स मिल भी गया है। तो ये बहुत रेयर केस में होता है। तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग को अपना अपना स्टेटस चेक करना है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉल करके अपना एक एक डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो, अभी स्टडी मटेरियल डिस्पैच करना स्टार्ट किया ही गया है, अभी सभी का डिस्पैच नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना अपना स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लेना, देखो आप लोग का क्या शो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा, आप लोग को इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे में ही स्टूडेंट सेक्शन में आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल स्टेटस, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग इस पोर्टल पर आ जाओगे। देखो यहां पर पहले जुलाई 2019 सेशन तक शो हो रहा था, जो कि अभी जनवरी 2020 सेशन भी शो हो रहा है। तो जैसे आप लोग जनवरी 2020 सेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग इस पोर्टल पे पहुंच जाओगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके आप लोग भी इस पोर्टल पे डायरेक्टली आ सकते हो। लेकिन यहां पे एक बात का ध्यान रखना कि जिन्होंने भी जिस सेशन में एडमिशन लिया है उसी पोर्टल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपने जुलाई 2019 सेशन में अगर फ्रेश एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो जुलाई 2019 सेशन का पोर्टल पे चेक करोगे, और अगर जनवरी 2020 सेशन में न्यू एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप लोग जनवरी 2020 सेशन में चेक करोगे। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जनवरी 2020 सेशन का बात कर रहे हैं, तो जनवरी 2020 सेशन में हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखो जनवरी 2020 सेशन में एक स्टूडेंट्स का निहाल नायक, उनका बुक्स डिस्पैच कर दिया गया है। यहाँ पे देख लो, कोर्स यहाँ पे लिखा रहेगा आप लोग को SSC 1 BG 104 BG 106, जो भी आपका कोर्स है वहाँ पे लिखा रहेगा, जो भी मीडियम आपने ऑप्ट किया था वो लिखा रहेगा, और यहाँ पे बार कोड लिखा रहता है, जैसे इंडिया पोस्ट का जो बार कोड रहता है ना, स्पीड पोस्ट, वो लिखा रहता है। तो आप लोग वहाँ से भी ट्रैक करके देख सकते हैं कि आप लोग का बुक्स अभी कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिया रहता है, लेकिन जितना डेट दिया रहता है उससे कम से कम 10 दिन बाद ही आप लोग को बुक्स डिलीवर होता है। ठीक है, और यहाँ पे लॉट नंबर भी दे दिया रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर लो आप लोग को क्या स्टेटस शो कर रहा है। यहाँ पे अगर 0 शो करेगा दैट मींस अभी आप लोग का बुक्स डिस्पैच नहीं किया गया है। ठीक है, अगर बुक्स डिस्पैच कर दिया जाता है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट प्लस लॉट नंबर प्लस रिमार्क या बार कोड कुछ ना कुछ शो करता है। ठीक है, अगर आप लोग का डिस्पैच नहीं किया गया होगा तो वहां पर 00 शो करेगा। तो जो भी होगा आप लोग देख लो क्या शो हो रहा है। ठीक है, और मैं ये भी बात बता दूं, एक जो इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने वाला था उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। जो भी स्टूडेंट्स ने जब ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं या री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको ऑनलाइन बुक्स लेना है या ऑफलाइन बुक्स लेना है, यानी कि ई मटेरियल लेना है या आपको हार्ड कॉपी लेना है बुक्स का। तो मैं तो वैसे सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हार्ड कॉपी ही ले, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स ने ई मटेरियल ऑप्ट किया है, ठीक है, तो उनका स्टेटस कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, अगर आप ई मटेरियल चूज करते हो तो होता यह है कि आपका 15% जो एडमिशन में जितना भी फीस लगता है उसका 15% डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, पहले ये होता था कि आपको पहले पूरा अपना फीस देना पड़ता था और 15% बाद में आपका रिफंड हो जाता था, लेकिन अभी तो ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि अभी जब आप फ्रेश एडमिशन लोगे या री रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वहां पे अगर आपने ऑनलाइन ऑप्ट किया है तो वहीं पे आपका डिस्काउंट कर दिया जाएगा 15%, उसके बाद ही से आप लोग को फी पेमेंट करना होगा। तो खैर, जो भी स्टूडेंट्स ने अगर ई मटेरियल ऑप्ट किया है तो उनका स्टेटस में यहां पर ये शो करेगा। ठीक है, ई मैट ऑप्टेड बाई स्टूडेंट, दैट मीन्स आपने ई मटेरियल ऑप्ट किया था एडमिशन लेने के टाइम, इसलिए आपको बुक्स नहीं मिलेगा और आपका लॉट नंबर में ये शो करेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि आप लोग हार्ड कॉपी में ही लो, ई मटेरियल से पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना अपना स्टेटस चेक कर लो, देखो आप लोग का स्टेटस क्या शो हो रहा है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका स्टेटस में कुछ भी शो हो रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिन्होंने भी री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, आप लोग अपना अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लो। और अगर आप फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हो इग्नू में, तब भी उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर तक ही रखा गया है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था।
इन्फॉर्मेशन था आप सभी स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि जनवरी 2020 सेशन में जिन्होंने भी न्यू एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनका स्टार्ट कर दिया है डिस्पैच करना, तो आप लोग स्टेटस चेक कर लो। लेकिन मैं बता दूं कि अभी सीरियल वाइज होता है, जैसे 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 आपने एडमिशन लिया है, जैसे जैसे री रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसी हिसाब से आप लोग का स्टडी मटेरियल डिस्पैच किया जाता है। तो अगर आपने लेट से किया होगा तो लेट से मिलेगा, जल्दी किया होगा तो जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पैनिक मत होना, किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है जिसके जरिए आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।